खनिज संपदा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को जोड़कर केंद्र सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। खनिज मंत्रियों के सम्मेलन में इस पर विस्तृत चर्चा की गई। सम्मेलन में माइनिंग के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए एमपी को पहला पुरस्कार भी दिया गया। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में देश भर के खनिज मंत्रियों और अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है, हमें माइनिंग के क्षेत्र में पहला पुरस्कार मिला है। इससे पहले ऐसा होता था कि नीलामी हो और कोई आरोप नहीं लगे, लेकिन हमने व्यवस्था को ठीक किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि खनिज संपदा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों को जोड़कर केंद्र सरकार ने एक नई पहल की है, इससे नई संभावनाएं बनेंगी। हमारा प्रयास रहेगा कि माइनिंग के क्षेत्र में हम उड़ीसा के नक्शे कदम पर चलें। ऑक्शन के नियम के लिए हमको पहला पुरस्कार मिला है और ये संभव हुआ है केंद्र सरकार की नई नीति के तहत। हमारा खनिज मंत्रालय काम कर रहा है, इसका लाभ निश्चित रूप से हमको मिलेगा। आप बहुत सारे प्रकार से इसमें सुधार करते करते ऐसे कई प्रकार के प्रयोग और नवाचार भी कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारी भूगर्भ की संपदा, जिसमें अलग अलग सेक्टर में बड़ी संपदा के साथ बड़ी संभावना छिपी हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि हम आपके बताए सुधारों को, भारत सरकार के बताए सुधारों के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये हमारे लिए एक तरह से आर्थिक बड़ी मजबूती का कारण भी बनेंगे और इन पारदर्शिता के कारण से निश्चित रूप से हमारी अपनी विश्वसनीयता भी सरकार के प्रति जवाबदेही होगी और समाज के प्रति भी जवाबदेही होगी। मेरी अपनी ओर से आपके इस पूरे आयोजन के लिए शुभकामना और मैं आभार मानता हूं कि आप, मैं उम्मीद करूंगा आज के लिए आभार मानता हूं और भविष्य के लिए फिर आप मौका देंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।